Assalamu alaikum. We're going to start the brush pathology from the pathoma. So first of all, we discuss about its introduction. So इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि ब्रेस्ट होती क्या है. तो स्किन से ये ड्राइव होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है और ये मिल्क लाइन होती है. यहाँ से लेके ना मिल्क लाइन जो है वो बनती है एक्जिला से लेके ना तो वल्वा तक जो है ना मिल्क लाइन होती है. इसके अलॉन्ग ये ब्रेस्ट कहीं भी डेवलप हो सकती है, ठीक है. लेकिन नॉर्मली तो ये वाला रीजन होता है ना ब्रेस्ट का ही, लेकिन कहीं भी डेवलप हो सकती है. तो अगर वो कहीं और डेवलप हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन्होंने दिखाया हुआ है कि थर्ड निप्पल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है. वैसे तो टू निप्पल्स होते हैं, अगर यहाँ पे बन जाए तो दिस इज़ एक्चुअली द सुपर न्यूमरेटरी निप्पल्स बन सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द मिल्क लाइन के यहाँ पे कहीं भी ब्रेस्ट बन सकती है, लेकिन बाद में ये जो मिल्क लाइन होती है ये रिग्रेस कर जाती है. अब जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसकी एनाटॉमी में देखें कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डक्ट और लोब्यूल्स, ठीक है. इसका जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट होता है ना, ये हमारी ये होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ एक्चुअली ये वाला, ये एक फंक्शनल यूनिट है. किस तरह से कि दो ऐसे हमारे जो है लोब्यूल्स बने हुए हैं और ये ऐसे जो है आगे की तरफ एक डक्ट में एंटर हो रहे हैं. ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है. ये इन्होंने एक टर्मिनल जो है ना डक्ट के अंदर ओपन होना होता है, और ओपन किसके अंदर होना होता है, निप्पल के अंदर, ठीक है. तो ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट है, जिसमें क्या होता है टर्मिनल डक्ट यूनिट है, ये आपको नज़र आ रहा है. लोब्यूल्स हैं दो, ठीक है, और वो एक टर्मिनल डक्ट में एंटर हो रहे हैं इनटू द निप्पल, निप्पल में ओपन हो रहे हैं ना. तो अब होता क्या है कि ये जो लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके लोब्यूल्स के अंदर जो है मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है. और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो इंडक्ट के थ्रू यहाँ पे निप्पल के थ्रू बाहर आता है, ठीक हो गया. तो यही होता है कि दिस इज़ द एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट. इसमें लोब्यूल्स होते हैं वो मिल्क बनाते हैं, ठीक है, और डक्ट्स जो होती हैं उन मिल्क को लेके निप्पल के थ्रू बाहर निकालती हैं, ठीक हो गया. अब ये जो लोब्यूल्स एंड डक्ट्स होती हैं इनकी फर्दर टू जो है ना एपिथेलियल सेल्स होते हैं. इस पिक्चर इज़ अगेन शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, जिसपे ये फैटी टिश्यू है और इसी तरह ये हमारे लोब्यूल्स हैं और वो डक्ट्स में ओपन हो रहे हैं. यही आपको नज़र आ रहा है ना निप्पल के थ्रू. अब ये जो हमारी डक्ट्स होती हैं और जो लोब्यूल्स होती हैं ना, इनकी टू एपिथेलियल सेल्स होते हैं. एक हमारे ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं और एक हमारे मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है. जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं. दिस इज़ एक्चुअली द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके ऊपर हमारे पास आउटर जो एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स होती हैं, दिस इज़ द मायो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है. और मायो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर की तरफ जो इनर एपिथेलियल लेयर होती है वो ल्यूमिनल सेल्स की होती है, ठीक हो गया. मतलब जो ल्यूमेन की साइड पे होते हैं सेल्स. तो ये आपने याद रखना है, बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारे मायो एपिथेलियल सेल्स हैं. मायो एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, अंदर ल्यूमेन है, ठीक है. मायो एपिथेलियल सेल्स का क्या काम होता है, मायो एपिथेलियल सेल्स ने जो है कंट्रैक्ट करना होता है ताकि मिल्क जो है वो आगे की तरफ जाए, निप्पल के थ्रू बाहर जाए, ठीक है. मायो एपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्शन करते हैं. ल्यूमिनल सेल लेयर क्या करती हैं, इनर जो लेयर होती है ये मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. ल्यूमिनल सेल लेयर मिल्क की प्रोडक्शन करेंगे, मायो एपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जिससे मिल्क जो होगा वो आगे की तरफ प्रोपेल होगा और निप्पल के थ्रू बाहर आएगा, ये बात होती है. अब हमने देखना है कि जो ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आती हैं. अब ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है ये हार्मोनली सेंसिटिव होता है. ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं ईस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरोन के, ठीक है. एक और हमारे रिसेप्टर्स होते हैं HER2 रिसेप्टर्स, ठीक है. ये हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर. अब होता क्या है कि हमारे पास जैसे ही मतलब बच्चा होता है, छोटी अगर फीमेल होती है तो अगर तो वो छोटी है अभी बिफोर प्यूबर्टी, उसके अंदर लार्ज डक्ट्स होती हैं, ठीक है. उनमें लोब्यूल्स नहीं होते, बचपन में लोब्यूल्स नहीं होते, लार्ज डक्ट्स होती हैं जस्ट, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले. जैसे ही हमारे पास मेनार्की होती है, मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, उस वक्त क्या होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, अब वो जो लार्ज डक्ट्स होती हैं वो हमारे पास चेंज हो जाती हैं स्मॉल डक्ट्स में, ठीक है. और लोब्यूल्स भी बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है. प्यूबर्टी पे क्या होता है कि लोब्यूल्स भी बनना शुरू हो जाती हैं और जो लार्ज डक्ट्स होती हैं वो स्मॉल डक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं, बिकॉज अब लोब्यूल्स आ गए हैं तो लार्ज डक्ट्स छोटी हो जाएंगी. और ज़्यादातर जो ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती है ये किस साइड पे होती है, ये हमारे फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ ब्रेस्ट हैं, तो इसमें जो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ठीक हो गया. अब ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है और उस दौरान जो है वो क्या होता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाली होती है उस दौरान उससे पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट की टेंडरनेस भी फील होती है कुछ फीमेल्स को होती है. उसके बाद ये होता है कि प्रेगनेंसी आ जाती है. प्यूबर्टी पे क्या है, लोब्यूल्स हैं, डक्ट्स हैं. प्यूबर्टी से पहले क्या थी, सिर्फ डक्ट्स थी, वो भी लार्ज थी, ठीक है. अब प्रेगनेंसी आ गई है. प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस आती हैं कि ये जो लोब्यूल्स होते हैं
ब्रेस्ट के, ये हाइपरप्लेजिया हो जाता है इनका। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पहले 10 थी, जो नॉर्मली इतनी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं, अब वो हमारे पर प्रेगनेंसी में क्या हो जाएंगी, 30 या 50 हो जाएंगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाएंगी, लोब्यूल ज़्यादा हो जाती हैं, लोब्यूल्स जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, उनका हाइपरप्लेजिया होता है। किस वजह से? क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज करता है, ठीक है। किस तरह से राइज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रहा होता है, फीटस जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, और लेटर इन प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये सारे मिल के ब्रेस्ट टिश्यू को लार्ज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हुआ कि किस तरह से जो है ब्रेस्ट चेंजेस आती है। अब हो गई प्रेगनेंसी भी हो गई, अब वो फीमेल बूढ़ी हो गई, ठीक है, मीनोपॉज हो गया उसको, अब क्या होगा, ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो एट्रोफी की तरफ चला जाएगा, सारे लोब्यूल्स डक्ट्स उनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी कहानी थी कि ब्रेस्ट किस तरह से डेवलप होती है और किस तरह से एट्रोफी हो जाती है और फिर बंदा मर जाता है, सिंपल सी बात है, लाइफ है। उसके बाद जो है गैलेक्टोरिया, वैसे तो ब्रेस्ट जो है वो मिल्क प्रोडक्शन कर रही होती है, ठीक है, नॉर्मली किस कब करती है, नॉर्मली तो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके अंदर ही लैक्टेशन होती है ना, प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है, दौरान भी स्टार्ट हो जाती है, तो लैक्टेशन नॉर्मली वो होती है। अब एक कंडीशन होती है गैलेक्टोरिया, ठीक है, हम बुक से ही अब देखते हैं इसको, जो एनाटॉमी है ये आपने खुद ही रीड कर लेनी है, मैंने आपको बता दिया कि 6 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये आप खुद रीड कर ले, मैंने आपको बता दिया किस तरह से चेंजेस आती है, तो ये आपने पढ़ लिया, ठीक हो गया। अब लैक्टोरिया जो होता है, मैं आपको बता रही थी कि इसमें क्या होता है कि लैक्टेशन के अलावा जो है ना मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसका ये कोई सिम्टम नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का, ये नहीं है कि एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट भी नहीं है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन हो रही है तो उसने कहना है कि जी मुझे कैंसर हो गया, नहीं, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ कैंसर। ये गैलेक्टोरिया होता है, उसमें होता क्या है कि एबनॉर्मली जो है ना वो होता है, कोई प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है जिसमें प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर पिट्यूटरी की पैथोलॉजिकल कॉज हो सकती है, या कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास गैलेक्टोरिया करवाती हैं, मिल्क प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती हैं, या कुछ ऐसे कॉमन साइकोलॉजिकल कॉज होता है कि कुछ फीमेल्स होती हैं ना उनके बेबीज़ नहीं हो रहे होते तो वो ना मतलब बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती हैं, तो वो उसकी निपल की स्टिमुलेशन करती हैं, उससे क्या होता है कि वो मिल्क प्रोडक्शन होती है थोड़ी बहुत ना, तो उसको कहते हैं गैलेक्टोरिया, ठीक है, विच इज़ नॉट लैक्टेशन, लैक्टेशन इज इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद जो होती है, गैलेक्टोरिया इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद आती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब अब ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, कोई नियोप्लेजिया नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, हम इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट के अंदर अब जो है रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, वो सारी इन्फ्लेमेशन के साइंस आएंगे, पेन होगी, वो सारे सिम्टम्स जो ब्रेस्ट में आ रहे होते हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ में होते हैं। सबसे पहले वी हैव द एक्यूट मैस्टाइटिस, इसकी कहानी ये होती है, एक्यूट मैस्टाइटिस के एक छोटा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी मदर जो है उसको मिल्क जो है वो मतलब फीड करवा रही होती है, तो वो जो बेबी होता है वो ऐसे जब वो मतलब सक कर रहा होता है ना, उस दौरान क्या होता है कि अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर ना, व्हेन ही सकिंग, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्रैक्स की वजह से ना अंदर वो क्रैक्स के अंदर वो होल्स हो जाते हैं ना एक किस्म के, तो उसमें वो बैक्टीरिया अंदर एंटर हो जाते हैं, मोस्टली स्टेफ ऑडियस, ठीक है, तो एक्चुअली वो कंडीशन होती है कि जिसमें हमारे पास एक्यूट मैस्टाइटिस होता है। तो इट इज़ द ब्रेस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, किसकी वजह से, स्टेफ ऑडियस की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होता है, कि जब हमारे पास जो है वो बच्चा सक कर रहा होता है तो उस दौरान फीजर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं निपल के ऊपर, जिसकी वजह से माइक्रोब्स को एक रास्ता मिल जाता है कि हम अंदर चले जाएं, ठीक हो गया, ये बात होती है। उसके बाद जो है ये किस तरह से प्रेजेंट करेगा कि जो ब्रेस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, मोस्टली फीमेल्स को ऐसा होता होगा बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ये नॉर्मल है कि अगर वो इस तरह से सक वगैरह कर रहा होगा, और निपल डिस्चार्ज हमारे पास पुरलेंट भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि स्टेफ ऑडियस है उसने पस प्रोड्यूस करनी है, ठीक हो गया, और वहाँ पर एब्सेस भी बन सकती है, इस वजह से हमें एब्सेस बनने से पहले पहले क्या करना होता है, उसकी ड्रेनेज करनी होती है, ठीक है, ड्रेनेज करते हैं हम, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं ताकि वो ट्रीट हो जाए, ठीक हो गया। सो इस तरह से ये इन्फेक्शन होता है ब्रेस्ट का, जिसमें क्या होता है कि एक्यूट मैस्टाइटिस दिस इज़ एक्चुअली कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से फीजर्स डेवलप हुए, अंदर स्टेफ ऑडियस चला गया, उसने सारी इन्फ्लेमेशन करवा दी, रेडनेस करवा दी, निपल में से पुरलेंट डिस्चार्ज भी आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव द कंडीशन पेरीडक्टल मैस्टाइटिस, इसकी कहानी ये होती है कि जो फीमेल स्मोकिंग करती है ना उनमें ये होता है, होता क्या है आपको पता है, दरमियान में निपल है, उसके इर्द गिर्द एक निपल के इर्द गिर्द ना ब्लैकिश सा एरिया होता है, उसको हम एरियोला कहते हैं, ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ब्लैकिश एरिया को एरियोला। अब होता क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता है ये जो एरियोला होता है ना, इसमें भी तो डक्ट्स होती है ना ऐसे करके, ठीक है, और पीछे लोब्यूल्स होते हैं, तो अब ये जो डक्ट्स होंगी ना इनके अंदर नॉर्मली क्या था, नॉर्मली हमारे पास कौन सी एपिथीलियम थी, अंदर वाली जो है ल्यूमिनल एपिथीलियम थी, बाहर वाली जो है वो कौन सी एपिथीलियम थी,
मायोएपिथीलियल सेल्स थे। अब होता क्या है कि स्मोकिंग की वजह से वो जो मायोएपिथीलियल सेल्स होते हैं या ल्यूमिनल एपिथीलियल सेल्स होते हैं उनका मेटाप्लेसिया हो जाता है स्क्वेमस सेल्स में। स्क्वेमस सेल्स इस तरह से ल्यूमिन को ऐसे भर देते हैं, सारे ल्यूमन जो है वो स्क्वेमस एपिथीलियम से भर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है स्क्वेमस मेटाप्लेसिया की वजह से सारी डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेरीडक्टल मैस्टाइटिस, जिसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन होती है सब एरियोलर डक्ट्स की, ठीक है। सब एरियोला मतलब कि जो एरियोला है उसके नीचे जो डक्ट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। ज़्यादातर जो फीमेल स्मोकिंग करती हैं उनमें ये होता है, या विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि स्क्वेमस मेटाप्लेसिया हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट्स का, जो कि हमारी होती हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स, वही होती है नॉर्मल डक्ट्स जो मिल्क लेके आ रही होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है डक्ट ब्लॉकेज हो जाएगी स्क्वेमस मेटाप्लेसिया की वजह से, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। और क्लिनिकली हमें कैसे प्रेजेंट करते हैं कि फीमेल्स कहती हैं कि हमारे एरियोला के नीचे हमें कोई मैस सा फील होता है, ठीक है, और निप्पल जो होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा एरियोला बिल्कुल निप्पल के पास होता है ना, तो वो जो निप्पल होता है वो रिट्रैक्ट कर जाता है। दिस इज़ एक्चुअली द पेरीडक्टल मैस्टाइटिस, जिसमें दिस इज़ अ निप्पल और इसके इर्द गिर्द वाला जो है ये सारा ब्लैकिश सा एरिया होता है ना एरियोला, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्योंकि इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है तो रेड सा हो गया हुआ है, और यहाँ पे इसको मैस सा फील होगा फीमेल को, और जो है मैस सा फील होगा और फीमेल का जो निप्पल होगा वो रिट्रैक्ट करेगा। ये एक्चुअली इसको हम ज़ूस्कर डिजीज़ भी कहते हैं, पेरीडक्टल मैस्टाइटिस को, या रिकरेंट सब एरियोलर एब्सेसिस भी कहते हैं। नॉर्मली जो है हमारी इस तरह से होती है ना कि जो है स्मूथ है मसल होता है एरियोला का, नॉर्मल डक्ट ऐसे होती है, डबल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम नॉर्मली होती है हमारी, ल्यूमिनल एपिथीलियम होती है, ल्यूमिनल लेयर होती है और मायोएपिथीलियल लेयर होती है डबल क्यूबॉइडल, ठीक है। लेकिन एब्सेस जब बन जाएगी तो उसमें क्या होगा स्क्वेमस मेटाप्लेसिया हो जाएगा डक्ट का, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया देखो सारी डक्ट उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और फिर ना नीचे एब्सेस बन जाती है, जब पीछे से वो ड्रेनेज ही नहीं हो रही मतलब चीज़ों की, तो आगे से सारा ब्लॉकेज है, तो इधर एब्सेस बन जाएगी पीछे की तरफ ना। अब ये एब्सेस जो है जब भी कोई एब्सेस इतनी भर जाती है ना तो उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही होती, तो वो यहाँ पे एक फिस्टुला सा बन जाता है साइड पे ना, एरियोला के बिल्कुल साइड पे ना फिस्टुला सा बन जाता है, बाहर की तरफ स्किन के उधर ओपन हो रही होती है फिर एब्सेस, फिर वहाँ से जो है ना एब्सेस को ड्रेनेज का रास्ता मिलता है, वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये बात होती है रप्चर विद द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू द केराटिन डेब्रिस, ठीक है, जो ऊपर केराटिन प्लग बना हुआ है उसको उसके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के साथ ये रप्चर कर जाता है और फिर इधर से फिस्टुला की ओपनिंग बन जाती है। ये सारा जो उसका डिसीज का था ओवरऑल। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज़ अ मेमोरी डक्ट इक्टेजिया। इक्टेजिया का मतलब होता है कोई भी चीज़ डायलेट कर जाती है उसको हम इक्टेजिया कहते हैं। अब इसकी कहानी ये होती है कि इसमें ना एक पोस्ट मेनोपॉजल एक वुमेन है जिसके मल्टी पैरस है, मतलब बहुत बच्चे हो चुके हैं, अब उसके मेनोपॉज भी हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कंडीशन होती है इसमें होता क्या है कि जो हमारा होता है ना सब एरियोला मतलब कि निप्पल है उसके गिर्द एरियोला है, उसके नीचे जो डक्ट्स पड़ी हुई हैं एरियोला के नीचे, ठीक है, उनकी डायलेशन हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से, वो डायलेट कर जाती हैं, तो ऐसी फीमेल्स का जो है पेरी एरियोलर मैस मिलता है, ठीक है। तो अब जो पीछे वाला था हमारे पास पेरीडक्टल मैस्टाइटिस, उसमें फिस्टुला भी बना हुआ था, उसमें ये था कि पेरी मतलब सब एरियोलर मैस भी था, ठीक है, और निप्पल रिट्रैक्शन थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है डिफरेंस चेक करें, ज़रा फीमेल की एज चेक करें, और दूसरा ये चेक करें कि पेरी एरियोलर मैस तो है लेकिन निप्पल के अंदर से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो ग्रीन ब्राउन कलर का है, ठीक है, ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा होता है, वो एक्चुअली हमारे पास इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जब हम बायोप्सी करते हैं तो हमें बायोप्सी पे बहुत ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं, ठीक है। सो आपने डिफरेंस चेक करना है कि एक्टेजिया का डक्टल एक्टेजिया का जो पेरी सब एरियोलर का ही है, ठीक है, और उसका जो पेरीडक्टल मैस्टाइटिस का है। तो ये था। अब नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन आती है दैट इज़ अ फैट नेक्रोसिस। इसमें क्या होगी, इसमें हिस्ट्री होगी ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी ट्रॉमा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल फीमेल जो है वो फुटबॉल खेल रही थी और उसका फुटबॉल जो है वो लग गया ब्रेस्ट पे फॉर एग्जांपल, तो उसको ट्रॉमा हो गया, उसको नहीं पता कि ट्रॉमा हुआ हुआ है। अब अंदर क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रॉमा की वजह से ना फैट होती है ना ब्रेस्ट के अंदर, उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो नेक्रोसिस स्टार्ट होगी ना अंदर ब्रेस्ट के अंदर, तो वो हम जब उसकी मैमोग्राफी करेंगे फीमेल की तो हमें उसमें कैल्सिफिकेशंस नज़र आएंगी, ठीक है। तो नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट फैट इज़ नोन एज द फैट नेक्रोसिस, यूजुअली रिलेटेड टू द ट्रॉमा, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हमेशा नहीं होता, लेकिन मतलब उसकी वजह से भी हो सकता है, वैसे भी फैट नेक्रोसिस हो सकती है लेकिन ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है मोस्टली, ठीक है। अब ये भी हमारे पास फिजिकल एग्जाम में हमें मैस लगता है अंदर, ठीक है, कि जब हम मैमोग्राफी करवाते हैं तो उसमें हमें एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन नज़र आती है, ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे सेपोनिफिकेशन ऑफ द फैट हुई हुई है।
और जब हम बायोप्सी करवाते हैं मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड को प्रिपेयर करके देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, हमें उसमें जॉइंट सेल्स मिलते हैं, ठीक है, कैल्सिफिकेशन नज़र आती हैं और जॉइंट सेल्स नज़र आते हैं। सो दिस इज़ अ फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट, और यहाँ पे आपको मैमोग्राफी पे फैट नेक्रोसिस कैल्सिफिकेशन की फॉर्म में नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपने बायोप्सी करवाई है तो इसमें आपको ग्रैनुलोमास मिलेंगे, ठीक है, और फैट्स आपको नेक्रोस्ड मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स मिलते हैं, आपको चीजी ग्रॉस अपेरेंस मिलती है। दिस इज एक्चुअली शोइंग यू द डक्टल एक्टेजिया, जिसमें क्या होता है नॉर्मल डक्ट ऐसे होती है लेकिन यहाँ पे जो सब पेरियोलर डक्ट होगी वो डायलेट कर जाएगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये जो है पेरीडक्टल और इंट्राडक्टल जो है इन्फिल्ट्रेट होता है इसमें मोस्टली प्लाज्मा सेल्स का, लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है प्लाज्मा सेल्स आपको मिलते हैं, ठीक है, और इसमें से जो डिस्चार्ज हो रहा होता है वो ग्रीन ब्राउन कलर का होता है। सो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं इंशाल्लाह।